हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप लोग देख रहे हो ऑल इन वन बॉन्साई यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं रूटोबा रॉक बॉन्साई। सबसे पहले आपको प्लांट सिलेक्शन करना होगा। हमने लिया है बनियन का प्लांट जिसे बरगद कहते हैं। आप कोई भी फाइकस वैरायटी का प्लांट ले सकते हो। ये प्लांट मैंने रोड साइड से कलेक्ट किया है। मैं बनाने जा रहा हूँ छोटा रूटोबा रॉक बॉन्साई। प्लांट सिलेक्शन के बाद हम लोगों को रॉक सिलेक्शन करना है। किस तरीके हम लोगों को बॉन्साई चाहिए और किस तरीके हम लोगों को रॉक चाहिए, आप लोग देख सकते हो। मेरे पास ये दो वैरायटी का रॉक है। ये छोटा सा पत्थर मैं बॉन्साई के लिए ले रहा हूँ, ये बड़ा पत्थर मुझे नहीं चाहिए। गाइस, ये रॉक मैंने रोड साइड से कलेक्ट किया है। आप लोगों को ऐसा रॉक चाहिए तो मैंने कुछ लिंक दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो। चलिए प्लान को रिपोर्टिंग करते हैं। जिसका रूट स्ट्रक्चर सबसे अच्छा होगा उसी को हम बॉन्साई के लिए लेंगे। आप लोग देख सकते हो इस प्लांट का रूट स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। इस रूट को मुझे यहाँ से कट करना होगा। क्यों कट कर रहा हूँ आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। गाइस, आप लोग देख सकते हो ये रूट कितनी आसान तरीके से फिट हो रहा है रॉक में। फ्यूचर में ये रूट जब बड़ा हो जाएंगे तभी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। रॉक में ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाए इसलिए हम एक वायर की मदद ले रहे हैं। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कितनी आसान तरीके से इस रॉक के ऊपर हम लोगों ने प्लांट को शिफ्ट कर लिया है। गाइज, मैं इस प्लास्टिक के कंटेनर में प्लांट लगा रहा हूँ। आप लोग बॉटल का वेस्ट ना करके आप लोग बॉटल में भी प्लांट लगा सकते हो। अच्छी तरीके से बॉन्साई सॉइल देने के बाद हम लोग प्लांट को शिफ्ट कर देंगे। गाइज, मैं इस बॉन्साई सॉइल को सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनाया है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा जल्दी से देख लीजिए, मैंने लिंक दे दिया है। एक लेयर हम लोगों को सैंड का कर देना है, उसके बाद हम लोगों को अच्छी तरीके से पानी देना है और सेमी सेट एरिया में रखना है। 7 दिन के बाद हम लोग इस प्लांट को धूप में रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। गाइज, आप लोग समझ गए होंगे रूट ओवर रॉक बॉन्साई किस तरीके से बनाते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।